एडवोकेट एम ए लतीफ ने वो केस को लड़ा था। तो उसके अंदर जो है तो एक हमारी कमेटी जो थी तब्दील जिंदा मुखालिफ कमेटी सदर अशर खान नवीद के बद थे और तो काफ़ी मतलब साले एक हम चार पांच लोग नहीं थे बल्कि पूरा और बात इससे हुए था। इसमें जूस लद्दीवाला थे, शुएब खुसरो थे, हमीद दावत थे और अखबार के सारे ही लोग थे, सारे सियासतदान थे। गोविंद भाई शराफ का भी इसमें अमल दखल था, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था हमारे पास। और प्रवीण एडवोकेट प्रवीण बात होकर काफ़ी मतलब इसमें अभी कोई ऐसा वो नहीं था, सारे लोगों की जो अखबार से मुहबत करते थे वो लोग इसमें शमूलियत रखते थे। उसके बाद पिटिशन दाखिल की गई 1995 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाईकोर्ट ने ये कहा था औरबाद हाईकोर्ट में कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है कि आप ये जो भी फैसला कर रहे हैं औरबाद के नाम के वाले उसको कूल माइंड से सोच के आप और ये सारे ऑब्जेक्शन पर कूल माइंड से सुनिए और उस पर सही फैसला कीजिए। और पिटिशन से कहा था कि अगर आपको इसमें भी अगर गवर्नमेंट के फैसले से अगर आपको इख्तलाफ है तो आप वापस हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन मौका नहीं था, नोटिफिकेशन निकल चुका था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कमरुद्दीन मिस्टर कमरुद्दीन के बारे में केस दाखिल किया गया था। अब केस दाखिल करने के बाद फिर कपिल सिब्बल हेयरिंग के लिए आए और अगला के शुक्र से 1996 को मामला स्टे हो गया। फिर 2001 में गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जब वजीर आला विलासराव देशमुख थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि ये मामला जो है दो कौमों में तजाद पैदा करता है, दो फेटेलिटी को नुकसान पहुँचाता है, लिहाजा हम ये नोटिफिकेशन को वापस देते हैं। तो नोटिफिकेशन वापस ली गई और 2002 में वापस फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर से गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने इसको फिर से जो है तो किया। हालाँकि होता ये है कि अगर कोई फैसला हो जाए और फिर उस पर दबल से उसमें जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वापस से उसको लेकर आया है, इसके बावजूद के और बाद हाईकोर्ट में एक पिटिशन चल रही जो मैंने दाखिल किए, चार पिटिशन फिर हमारी कमेटी की तरफ से हमने उसको दाखिल की। जब नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने सही हिसाब से कहा, हम लोगों ने जो तैयारी करके रखी थी सही हिसाब से कहा कि भाई अब जो लोग और बात से छोड़ के बॉम्बे चले गए हैं वहीं चल रहा है मामला। और पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि सिटी चूँकि कहा कि चूँकि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर चल रहा है, लिहाजा अब औरबाद हाईकोर्ट को कोई फैसला करने का अख्तियार नहीं। तो फिर वो जो मामले में हमको कहा कि आप भी जो है तो बॉम्बे हाईकोर्ट को आप जाकर अपनी बात कीजिए, हमने कहा कि नहीं औरबाद हाईकोर्ट कोई जुडिशियल नहीं है और हम लोग औरबाद के रहने वाले हैं, लिहाजा हम औरबाद हाईकोर्ट को ही सुनाएंगे। हम फिर होल्ड पर हमने रखा है एप्लीकेशन को, अगर वहाँ से कोई फैसला होता है या खिलाफ में हो या फेवर में हो वो जब वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी पिटिशन यहाँ पे स्टैंड करेगी कहाँ से और बधाई को। तो ये इसमें ये सब स्टैंड करने ही होने के बाद फिर जो मामला फिर अब जब लगा कि हमको भाई हम तो यहाँ पे होल्ड पे आ चले गए, अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया तो एडवोकेट सीट वगैरह हम लोग जो पहले तैयारी करके रखे थे पिटिशन को वो तैयार किया गया और फिर चार पिटिशन फाइल की गई, दो उस्मानाबाद के नाम को रोकने के लिए और दो औरबाद के नाम को रोकने के लिए। और बाकी बातें दो और बातें हुई आप ऐसे तो ऐसा चार हो गए। अब ये सारा काम जो है बेचारा एक नौजवान एडवोकेट सही को खड़ा हुआ जो है ना वो और खैर तक की बात ये थी कि दूसरे वकीलों की तरह इन्होंने कभी किसी से चार्ज नहीं किया बॉम्बे जा रहे या रहे जो भी इनके। अब हालात ये है कि जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, नोटिफिकेशन जब जारी हो गया तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, गजट जब छप गया तो ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। गजट आने के बाद इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंटेड है आपका नाम का। तो फिर हमने क्या सही साहब किया और सही साहब ने पिटिशन दाखिल की और से बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर ये पिटिशन दाखिल है जिसके अंदर चार पिटिशन हम लोगों की है, जिसके अंदर हमारे एडवोकेट सईद शेख और मुजीब चौधरी ये लोग पैरवी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो है बगैर फीस के आज तक हम लोगों को कॉपरेट की है और आगे भी इंशाल्लाह करने वाले हैं। हमारा बॉम्बे हाईकोर्ट से जो प्रवास था सिर्फ 27 मार्च से, क्योंकि इसके पहले कुछ लोग थे लेकिन हम 27 मार्च को जो है बॉम्बे हाईकोर्ट गए और बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के बाद जिस तरीके से हमारे एडवोकेट सईद शेख ने जो पैरवी की उसके अंदर कोर्ट ने फर्स्ट
हेरिंग के अंदर ही गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया, जिसके अंदर केंद्र और राज्य, आज तक ये लोगों को नोटिस इशू नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिपार्टमेंट को नोटिस इशू हुई। उस नोटिस के आधार पे उसके बाद जो है 24 अप्रैल को जो हेयरिंग हुई, वो हेयरिंग के अंदर हमारे एडवोकेट सईद शेख मुजीब चौधरी, इन्होंने पुलिस सुप्रिटेंडेंट शिक्षण विभाग पूना और पोस्ट ऑफिस, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे, ऐसा कोर्ट के निदर्शन में लाके दिया है। कोर्ट ने उसी तरह पे सरकारी वकील गवर्नमेंट की तरफ से उनको डिक्टेशन दिए कि भाई ये जो चढ़ी हरकत ज़िले के लिए गलत चढ़ी, तो उसी टाइम सरकारी एडवोकेट इन्होंने जो है वहाँ पर हमीद नामा दिए कि आज के बाद आगे की सुनवाई तक औरंगाबादी नाम लिखा जाएगा, उसका अदर कोई नाम लिखा नहीं जाएगा, ऐसा सरकारी वकील ने वहाँ पर एक हमीद दिए है। हमीद देने का कारण हमारे जो एडवोकेट सईद शेख और मुजीब चौधरी, इनको जो युक्तिवाद हुआ उसके ऊपर कोर्ट भी हरकत में आया और कोर्ट ने जो है सरकारी वकील को काफ़ी तरीके से अच्छे बताया कि ये एक्टिविटीज आपकी पूरी गलत चल रही है, जब तक का कोर्ट में जो भी प्रकरण चालू है जब तक का आप कोई नाम बदल नहीं सकते, ऐसा हमीद जो है सरकारी वकील ने भी कोर्ट को दिया है कि आगे की प्रोसेस चलेंगे इंशाल्लाह और जब तक का कोई नाम चेंज नहीं होगा। मोइनी नामदार सर, आप पिटिशनर है औरंगाबाद के लिए, तो आपका जो पिटीशन में आक्षेप जो है औरंगाबाद शहर के लिए है, ज़िले के लिए है, विभाग के लिए है, काय के लिए, वो बताइए। हमारा जो पिटीशन है उसके अंदर औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िला, औरंगाबाद तालुका, विभाग, तमाम चीज़ों के ऊपर औरंगाबादी नाम रहेगा, इसके लिए हमारा पिटीशन। अभी अगली जो सुनवाई होने वाली है, क्या आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? इंशाल्लाह न्यायपालिका के ऊपर हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, जिस गवर्नमेंट ने संविधान को और कानून को भाईमल्ली की है, संविधान के आधार पे आने वाली तारीख में इंशाल्लाह हमको उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। जैसा कि पिछले दिनों में आप लोगों ने सबको सुना और सबको पता है कि मेरे ऊपर कोर्ट हॉल में अटैक हुआ, और मराठी में कहावत है आला अंगावर पे घेतलं शिंगावर, ये जो हादसे हमारे साथ में हुए ये सिर्फ इसके लिए हुए कि हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और संविधान को बचाने के लिए पूरे शहर के लोग हमारे साथ में, देश के लोग हमारे साथ में, और कुछ मुनाफिक लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सुपर के काम कर रहे हैं। हालांकि जिस वजह से हमने पिटीशन दायर किया कोर्ट के अंदर, हमारे पहले भी कुछ लोगों ने पिटीशन दायर किया था और उनका काम कोर्ट में चल रहा था 9 महीने से, और उनसे कुछ हुआ नहीं, और अल्लाह का शुक्र ये है कि सही ढंग से काम किया तो उसके अंदर अल्लाह ताला की कामयाबी देनी है, तो उसके लिए सही साफ हो। हमने वकील साहब के जरिए से जो पिटीशन दायर किया उसके अंदर हमको पहले हेयरिंग में हमको नोटिस इशू हो गई, और दूसरे हेयरिंग के अंदर जो है उसके अंदर कामयाबी मिल गई और उसके अंदर ऑर्डर भी पास हुआ। कोर्ट हाल में जो जैसे हमारे पिटीशन के अंदर सुनवाई चल रही थी, पहले पिटिशनर जो थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, मुनाफिकाना हरकत की, और ये तो बात साफ जाहिर हो गई उस टाइम में कि आस्तीन का सांप कौन है, मुनाफिक कौन है, मगर हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि आज भी हमारा भरोसा, भले चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार आएंगे जाएंगे संविधान के खिलाफ काम करेंगे, कानून के खिलाफ काम करेंगे, मगर कोर्ट जो है तो अदालत जो है, अदालत को हमारा भरोसा है और अदालत जो है तो सही ढंग से काम करिए, आज हम लड़ते रहेंगे और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। मेरे ऊपर अटैक होने के बाद में हमने हाईकोर्ट में भी कंप्लेंट दायर की, पुलिस वालों के पास भी कंप्लेंट दायर की, और उसके ऊपर भी हमको इंशाल्लाह जो है दीन साहब हमारे साथ में रहेगा, और ये जो लड़ाई है इस संविधान के अंदर कानून के दायरे में हम लड़ते रहेंगे, इसके अंदर इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे इंशाल्लाह। सर, अभी आपने बताया कि आपके ऊपर हमला हुआ, मैं पिटिशनर लोगों के साथ में हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं एक हूँ, मैं पिटिशन में कहीं नहीं हूँ, कुछ मेरी मजबूरी है इसके अंदर कि मेरे हाईकोर्ट के अंदर बहुत सारे पिटिशन, बहुत सारे PIL मेरे चल रहे, और मेरे नाम से और भी एक ज़्यादा PIL हो या पिटिशन हो, और जज का रूप मेरी तरफ देखने का गलत ना हो कि इनको हमेशा सिर्फ पिटीशन कर दाखिल करने की आदत, ऐसा ना हो, इसके लिए मैं साथ में हूँ, सबके शुरू से हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं अचानक आया। क्या आप पर ये सोचकर हमला किया गया था कि आप पिटिशनर हैं बोलके, या फिर क्या वजह थी हमले की? ये तो हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वो शख्स को मैंने जो है तो सिर्फ आधा मिनट पहले देखा, और आधे मिनट के अंदर सब हादसा हुआ है, ना इससे पहले मैंने उसको कभी देखा था, ना मैंने कभी नाम सुना था, ना उसको पहचानता हूँ मैं कभी,
और उस हादसे के बाद में उसके बाद में फिर से उसको देखने भी आया मेरा कहीं उसके अंदर से, मगर वो तहकीकात करके हमारे आजू बाजू में आके बैठ गया। और बैठने के बाद उसने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए, तो मेरे साथ में जो पिटिशनर थे अंदर साहब उनसे उन्होंने बात किए, तो उन्होंने बोले हम पेटे से आए, किस लिए आए, तो बोले हमारा पिटिशन काय का, तो बोले औरंगाबाद के नामांतर का। उनके तहकीकात के अंदर उनको समझ में आ गया वही लोग अपने खिलाफ अपने साथ जो पिटिशन दाखिल किए और अपने काम में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश कर रहा है ऐसा उनकी समझ थी। और फिर उन्होंने उनको उनके साथ बहस करने लगे, तो बहस के अंदर मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई तो आप बहुत भाग्य में बैठे हुए, अच्छी बात करो, गलत सलत बात मत करो। उन्होंने आगे देखा ना पीछे देखा, वो ये समझेंगे उनके साथ में है या कुछ है या क्या, कौन सा क्या प्लानिंग था उनको मालूम नहीं। जोश मिली गाड़ी पर जोश है झटका दिया, तो मैं तो एकदम एक दो तीन सेकंड के आते समझ नहीं आया हम क्या ऐसे जोर से कर दिया। उन्होंने हाथ मारने हाथ उठाए मारने पर उठने में हुसैन पटेल जो एक दूसरे पिटिशनर के साथ उस हमारे वो जल्दी जल्दी आए मेरे पास और उन्होंने उसका हाथ ऊपर के ऊपर पकड़ लिया। और ये साइड से जिन्होंने मेरे साथ में हरकत की उनके साथ वाले जो मोटे साथी थे जो चौस जिसका नाम चौस वगैरह वो आए, उन्होंने उनको साथ में उठा के ले गए। मगर ये सब हरकत वहाँ पर अंदर जो पुलिस वाले जिन्होंने देखे उन्होंने फौरन बाहर फोन करके पुलिस वालों को फोन। और मैंने हाल ही में जो तो एक पिटीशन दाखिल किए हैं एडवोकेट सईद साहब के जेर सरपरस्ती में, और दूसरी बात ये है कि मैं एडवोकेट सईद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई उन्होंने हम लोगों को जो तो हौसला बढ़ाया और मैं क्या बोलते हम लोगों ने जो तो उनके साथ मिल के एक पिटीशन दाखिल किए और इन्होंने तो पिटीशन दाखिल करने की बात की पूरी प्रोसेस जो तो इनामदार साहब ने आप लोगों के सामने रख दिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले जो तो सही साहब ने और उनकी पूरी टीम ने मिलके जो तो पूरा दिन रात एक करके संविधान के बारे में और पूरे पुराने हिस्ट्री के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके एक मजबूत जो तो पिटीशन तैयार की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जिस आपके साथ जो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जो हादसा पेश आया, दूसरी बात मैं मुबारकबाद देता हूँ एडवोकेट सईद साहब को जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छा जो है तो आउटपुट लिया है और अल्लाह से ये उम्मीद है कि आगे भी जो है तो हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। एक मराठी में कहावत है आला अंगावर तो खेतला शिंगावर, इसमें जो भी अगर खिलाफ जाएगा तो हम लोग पूरी टीम उसके खिलाफ तैयार है और जो है तो हम सब संविधान के मानने वाले, संविधान से हम ये जंग जीतेंगे इंशाल्लाह। जो औरंगाबाद का नाम चेंज करना चाहते हैं ये एक यानी कि जातिवादी मुद्दा कर दिया उन्होंने, जबकि ये नाम की जब तफसील एडवोकेट सईद साहब और मोइन साहब ने बताया तो मुझे भी नहीं मालूम थी कि ये तो औरंगाबाद का नाम औरंगजेब के ऊपर नहीं है और वो एक किताब है कि एक सिंहासन को बोला गया है, उसका मतलब ये है। बहुत सारों को भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था, तो ये लोग हिंदुओं को तो कहाँ से मालूम होगा जब अपने को नहीं मालूम है। मैं उर्दू से पढ़े होने के बाद भी मेरे को नहीं मालूम था, तो उनको ये लगता है कि औरंगाबाद के नाम पे है इसलिए उसको जो है तो वो नादों के पीछे पड़े हैं, मगर हमें कोर्ट पर पूरी उम्मीद है कि हमें आउटपुट मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए औरंगजेब का मतलब ये